गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, एक्सेस बीएपी हूँ। आज फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन सेशन लेकर आया हूँ। कुछ दो तीन ज़रूरी एग्ज़ाम से रिलेटेड हम बातें करेंगे। अब जो भी मैं आपको इन्फो देने वाला हूँ, मैं पहले ही क्लियर करना चाहूँगा कि ये ऑफिशियल इन्फो नहीं है। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करके मत बोलिएगा कि आपको कैसे पता, ये थोड़ना है। बिल्कुल आपकी सारी बातें सही हैं। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ऑफिशियल नहीं है। ये मेरी तरफ से किया गया जो एनालिसिस है उस पे बेस्ड सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। तो पहले ही आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही सचेत कर देता हूँ, ठीक है। अब आज के सेशन में हम अराउंड 4 to 5 एग्ज़ाम्स, 4 से 5 एग्ज़ाम्स के जिनके रिजल्ट अभी आना बाकी हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कब तक आप उनके रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सिचुएशन चल रही है और क्या होल्डअप है, क्या कारण है एग्ज़ाम या रिजल्ट डिले होने का, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले सबसे स्टैंडर्ड और सबसे बड़े एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। वो आपका रहेगा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए। ग्रामीण बैंक पीओ और क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए हम बात कर लेते हैं जल्दी से। अब आप सभी को पता है एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, मेंस के मार्क्स भी ऑलरेडी पीओ के तो डिक्लेयर भी कर दिए गए हैं। मेंस के जो आपके मार्क्स हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं साइट पे जाके। अब वेट चल रहा है रिजल्ट का कि सर रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये जो मैं इन्फो दे रहा हूँ ये ऑलमोस्ट ऑफिशियल मानिए, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है, क्योंकि पिछले जितने भी सालों से मैं बैंक एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स कवर करता आया हूँ, सभी में यूनैनिमसली कंसिस्टेंटली 1 जनवरी को आपके प्रोविजनल लिस्ट या फिर मेन लिस्ट डिक्लेयर की जा रही है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2020 को आपके जो मेन जो प्रोविजनल लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी, मेन लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अब टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या रहेगा, सुबह होगा, दोपहर, शाम, ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर 1 जनवरी को 2020 नए साल में आपको बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चे पीओ लगेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लर्क लगेंगे, ठीक है। अब इससे एक दिन पहले माने 31 दिसंबर 2019 को आपके रिजर्व लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। ये तो प्रोविजनल लिस्ट की मैंने डेट बताई है, 31 दिसंबर को क्या रिलीज की जाएगी, रिजर्व लिस्ट आपकी डिक्लेयर की जाएगी, ठीक है। तो ये एकदम सेट स्टैंडर्ड है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता नहीं है। पीओ का आपको पता है ऑलरेडी मेन मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं, पीओ क्लर्क आरआरबी के लिए दोनों का ही रिजल्ट 1 तारीख को आपका डिक्लेयर हो जाएगा और 31 को होगा रिजर्व लिस्ट का, ठीक है। तो ये तो बात थी पीओ और क्लर्क के लिए, प्योर क्लर्क के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड बात थी। अब इसके बाद नेक्स्ट बड़े एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो आता है आपका आईबीपीएस पीओ मेंस। आईबीपीएस पीओ मेंस जिसका एग्ज़ाम आपका 30 नवंबर को, शायद 30 नवंबर को आपका कंडक्ट करवा दिया गया था। अब सभी स्टूडेंट्स को वेट है इसके रिजल्ट का कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, आईबीपीएस पीओ मेंस का कब तक रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, मत चिंता कीजिए, 3 से 5 दिनों, 3 to 5 डेज के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। कारण सर जैन फेब में जनरली प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखते हुए जनवरी फरवरी में आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो मेंस जो क्लियर करते हैं, जो कैंडिडेट्स मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू का जो उनका शेड्यूल रहता है वो जनवरी फरवरी में ही रहता है। तो उसके लिए उनको अगर इस साल नहीं, इस महीने नहीं, तो जनवरी में अर्लीस्ट उनको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको शायद वेट करना ना पड़े, 3 से 5 दिनों के अंदर, 3 to 5 डेज के अंदर अंदर ही आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जनवरी फरवरी में आपका इंटरव्यू रहता है। उसी तरीके से आईबीपीएस क्लर्क का तो वैसे सेपरेट वीडियो भी डाल दिया था, जो वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसका कारण मुझे नहीं पता। सभी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर ये तो
पहले से हमें पता है, उसमें कोई बताने की चीज़ थोड़ी ना। अब आप ही लोग बार बार पूछ रहे थे इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, सीधी सी बात है। IBPS क्लर्क प्री 2019 का भी मैंने ये बताया था, दोनों के जो रिजल्ट हैं बिल्कुल पास पास रहेंगे, एक के बाद एक रिजल्ट डिक्लेयर की जाएंगी। इसका भी मैंने आपको बता दिया था कि जनवरी में ही स्टार्टिंग के 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही आपका अर्ली जनवरी 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपका किसका IBPS क्लर्क प्री का भी रिजल्ट आ जाएगा, और उसी के दौरान आपका IBPS PO मेंस का भी रिजल्ट आएगा। तो दोनों बिल्कुल पास पास रहेंगे। अब 1 तारीख को तो रहेगा नहीं, क्योंकि 1 तारीख को आपके RRB PO क्लर्क डिक्लेयर किया जाएगा, तो ये दोनों रिजल्ट 1 तारीख को तो नहीं आने वाले, ठीक है। अब हो सकता है 2 को आ जाए, 3 को आ जाए, IBPS PO मेंस इवन अर्ली आ जाए, कुछ ही दिनों में हो सकता है दिसंबर के अंदर ही आ जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है इस वीक वीक के अंदर। इस वीक में बहुत सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली IBPS की तरफ से, ठीक है। ये हमने बात कर ली RRB PO क्लर्क की, IBPS PO मेंस की, इवन IBPS क्लर्क प्री की भी थोड़ा सा प्रीव्यू मैंने आपको दे दिया। अब अपने आगे बात करते हैं कुछ और बड़े एग्जाम्स की, जिसमें से सबसे पहला जो बड़ा एग्जाम रहेगा LIC असिस्टेंट मेंस का। जो नेक्स्ट जो बड़ा एग्जाम रहेगा वो है LIC असिस्टेंट मेंस का। आप सभी को पता है हमारे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर, जो हमारे काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने LIC असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम दिया, मेंस के एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया, और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर कब तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, कब तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों कोई भी सेट इसका पैटर्न, कोई सेट प्रेसिडेंस नहीं है, जैसे IBPS का आप प्रीवियस ईयर का बिहेवियर देख के किस तरह से वो डिक्लेयर करते हैं, अपना शेड्यूल देख के बताया जा सकता है। पर असिस्टेंट का काफ़ी साल पहले एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और अब काफ़ी समय बाद कंडक्ट किया गया है, तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। पर जो बाकी, अगर आप बाकी जो LIC ने जो रिक्रूटमेंट्स रिलीज़ की थी, चाहे वो EDO हो, AA हो, उनका अगर पैटर्न देखा जाए और बाकी जनरल इंश्योरेंस बैंक एग्जाम्स का पैटर्न देखा जाए, तो एक रफ आइडिया आप लगा सकते हैं। क्या रफ आइडिया? अब कोई भी जवाब देने से पहले एक बात को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अभी शायद 1 या 2 रीज़न है जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए गए हैं, उनका एग्ज़ाम 29 दिसंबर 2019 को है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे खूब सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने हमें ये न्यूज़ दे दी थी, और आप लोगों को मैंने, आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बना दिया था कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। सभी को मैसेज या मेल के थ्रू LIC ने क्या किया है, इंटीमेट कर दिया है, ठीक है। 29 तारीख को आगरा रीजन है, और कोई रीज़न है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, आगरा ज़रूर है क्योंकि हमारे ही एक एस्पिरेंट ने हमें मैसेज करके बताया था, और उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए अपलोड किया था, ठीक है। अब बात आ जाते हैं सर रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है, तो आप मान के चलिए बाय 3rd और 4th वीक, 3rd 4th वीक ऑफ जनवरी, 3रे से 4थे हफ्ते, जनवरी के 3रे से 4थे हफ्ते तक आपका रिजल्ट क्या है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 3रे से 4थे हफ्ते जनवरी के आप रिजल्ट उम्मीद कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल सर। तो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको वेट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब सर इसके अलावा LIC असिस्टेंट मेंस की तो हमने बात की, जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू चल रहा है वो चल रहा है ESIC UDC के रिजल्ट के रिगार्डिंग। ये ऐसी UDC का अभी अभी आपको पता है CPT महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स का भी ही कंप्लीट हो चुका है, वही बचा था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चे वेट करेंगे सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट कुछ समय के लिए डिले हो गया था क्योंकि झारखंड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते झारखंड में लगा हुआ था, जिसके कारण रिजल्ट को डिले कर दिया था। अब उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, अब जल्द से जल्द ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दे तो अच्छी बात है, दिसंबर के अंदर ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि जनवरी में फिर दिल्ली में इलेक्शंस है, तो वहाँ पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, और उस बेसिस पे फिर ESIC का फिर से एक बहाना या फिर से एक नोट या नोटिस आ जाएगा कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, फिर से आपका रिजल्ट क्या है डिले है। तो मैं तो प्रे करता हूँ, होप करता हूँ कि आपका दिसंबर के अंदर ही, अंदर जितने भी दिन बचे हैं, 3-4 आपके दिन बचे हैं, उसी के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि नहीं किया जा गया और लेट हुआ तो दिल्ली में इलेक्शन है, वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जिसके बेसिस पे ESIC UDC का आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो लेट्स होप कि दिसंबर के अंदर रिजल्ट आए, नहीं आया तो काफ़ी असमंजस में, काफ़ी इनडेफिनेट वाली सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब सर ये इनके अलावा कुछ एग्ज़ाम्स आपके जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं जिनका काफ़ी समय से रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जा रहा, उनमें से एक जो सबसे बड़ा जो अलग से उभर के आता है वो है FCI
असिस्टेंट का रिजल्ट। सर एफसीआई असिस्टेंट का एग्जाम आपका जुलाई एंड में हुआ था, जुलाई 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 एंड में किया गया था, और उसके बाद अब आपके ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने आपके गुजर चुके हैं, और अभी तक इसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं बताई जा रही है, कोई भी न्यूज़ नहीं बताई जा रही है। तो इसका भी वेट चल रहा है कि एफसीआई इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर, नेक्स्ट ईयर ज़रूर अपने जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन पे थोड़ी सी दया करेगा, उनका थोड़ा भला करेगा और फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। अब एफसीआई असिस्टेंट 2019 के अलावा आपके पास और एग्ज़ाम है ईपीएफओ का, ईपीएफओ का असिस्टेंट का तो आपका रिजल्ट आ चुका है, ईपीएफओ असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है, पर अभी तक डबल एसए का रिजल्ट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट या सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जो भी कहा जाए, उनका जो रिजल्ट है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया, तो उसका भी काफ़ी समय से वेट कर रहा है। और इसके रिगार्डिंग एक कैंडिडेट ने हमें बताया भी था कि सर ईपीएफओ को मैंने ट्वीट किया था और उनका वापस मैसेज भी आया था कि वी आर सॉरी फॉर द डिले एंड वी विल डिक्लेयर द रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। तो ईपीएफओ की इस बात से जाए तो कुछ ही समय में आप होप कर सकते हैं कि ईपीएफओ डबल एसए का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा जल्द ही, जन के स्टार्टिंग में सेकेंड थर्ड वीक तक मोस्ट से मोस्ट आपका ईपीएफओ का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, जैसे कि उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। अब जैसे एफसीआई वगैरह तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, एफसीआई का तो ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, पर ईपीएफओ एटलीस्ट मान रहा है, और ईपीएफओ ने अपनी बाकी जो जो दूसरी जो वैकेंसी थी उसके लिए तो रिजल्ट असिस्टेंट के लिए तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, डबल एसए के लिए भी उन्होंने माना है कि हमने थोड़ा डिले किया है, पर इस डिले को अब पीछे रखते हुए जल्द से जल्द आपके लिए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा एक एग्ज़ाम और बचता है नबार्ड डीए डेवलपमेंट असिस्टेंट का भी, उसका अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, उसका मैं देखूंगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या इनका सीन रहता है, कब तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है जनरली नबार्ड में। नबार्ड में अभी अभी आपके एक नोटिफिकेशन और आ गई है शायद, नबार्ड में आपके ऑफिस असिस्टेंट की भी जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर कर दी गई है। अब नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का रिजल्ट अभी तक आया नहीं, उसके बारे में एग्जैक्टली हमें कोई आइडिया नहीं है, जैसे ही पता चलता है कुछ भी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये दोस्तों ये मेरा अनुमान था, ये कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब इसके अलावा और कोई भी एग्ज़ाम जो मैंने मिस कर दिया है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊं। अब देखिए आप लोगों ने ऐसा लग रहा है कि व्यूज़ के लिए सर आप ये सब कर रहे हैं, कितने भी आप व्यूज़ दे दें उसका जो अगर आप सोचते हैं कि जो फाइनेंशियल टर्म्स में जो कन्वर्जेशन है बहुत ही अच्छा होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप खुद इसके बारे में स्टडी कीजिए, इतने व्यूज़ से किसी का एटलीस्ट हमारा कोई भला नहीं होना, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स का एक साथ रिजल्ट आने के चांस है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्योंकि ईयर एंड है, काफ़ी एग्ज़ाम्स अब इकट्ठे हो चुके हैं, इसके बारे में आप ज़रूर जानना चाहेंगे, और स्पेशली वो एग्ज़ाम्स जो काफ़ी समय से हो रखे हैं और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया। अब बाकी कोई एग्ज़ाम मैंने अगर मिस कर दिया है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट सेशन जब मैं लाऊँ तो उसमें उस एग्ज़ाम को मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हमारे चैनल को आगे भी प्यार करते रहिएगा, इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिएगा, आपके ही सपोर्ट से एक बहुत ही छोटा चैनल 50K जैसे माइलस्टोन तक रीच कर पाया, और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहे। अब देखिए न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन ये सब एक जगह है, मेन टारगेट है प्रिपरेशन, जो हमारे चैनल का जो मेन टारगेट है वो है आपकी अच्छी प्रिपरेशन करवाना। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, IBPS क्लर्क मेंस की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, प्लस साथ ही साथ आरबीआई असिस्टेंट का भी एक एक्सक्लूसिव कोर्स आपके लिए, एक डिटेल्ड अच्छे से तैयारी का कोर्स प्री के लिए 1 जनवरी को हम लॉन्च करने वाले हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो के उस कोर्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, क्या टाइमिंग्स रहेगी, सारी बातें एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो बाकी जो IBPS क्लर्क मेन से रिलेटेड वीडियो हों, चाहे क्वांट के, रीजनिंग के, बैंकिंग अवेयरनेस के, जनरल अवेयरनेस के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए।